हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फूडी स्टार। आज की रेसिपी है चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी को अगर अच्छे से यानी धीमी आंच पर पकाया जाए तो इसका स्वाद लाजवाब आता है और ये सब नॉन वेज लवर के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन ग्रेवी बनाना। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 600 ग्राम चिकन। सबसे पहले इस चिकन को हम लोग मैरिनेट करके रख देंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट, 2 चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट और इसे मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। देसी स्टाइल चिकन बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन, 1/2 kg ओनियन, एवरेस्ट चिकन मसाला, तेज पत्ता, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ जिंजर, 2 रेड चिली, हल्दी पाउडर, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट, गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। साबुत गरम मसाले का हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने सभी साबुत गरम मसाले को मिक्सर में डाला है और इसमें डाला है 1 कटा हुआ प्याज। पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। हमारा गरम मसाला पेस्ट बनकर तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं देसी स्टाइल चिकन बनाना। 1 कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। यहाँ मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 3-4 तेज पत्ता और इसे 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद मैंने डाला है 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, 2 रेड चिली और इसे भी 15 से 20 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ 1/2 kg प्याज। यहाँ मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है। प्याज को हम गोल्डन पिंक होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और देखते रहें कि देसी स्टाइल चिकन कैसे बनता है। पंद्रह मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद प्याज गोल्डन पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। स्पाइसी चिकन करी ना सिर्फ एक स्वादिष्ट भोजन है बल्कि बदलते मौसम में ये आपको कोल्ड यानी सर्दी जुकाम से भी दूर रखता है। यहाँ मैंने सभी चिकन को एक एक करके कढ़ाई में डाल दिया है। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर चलाकर हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ मैंने चिकन को ढक दिया है और फ्लेम को मीडियम कर लिया है। बीच बीच में हम कलछी से इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन हाफ कुक हो चुका है। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। इसे हम फिर से ढक देंगे और तेल छोड़ने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन और मसालों में से सारा पानी सूख चुका है और चिकन में से तेल छूट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट। ये पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये पेस्ट कैसे बनाया है। मिक्स करके हम इसे फ्राई करेंगे और इसे भी तेल छोड़ने तक हम पकाएंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने डाला है 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर डाला है मैंने स्वाद अनुसार नमक।
नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और ध्यान रखें हमने चिकन को मैरिनेट करते समय भी नमक डाला था। फ्लेम को हम अभी भी मीडियम रखेंगे। और तेल छोड़ने तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, चिकन मसालों के साथ अच्छे से गल से और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब देसी स्टाइल चिकन कड़ी बनकर तैयार है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बने रहें द फूडी स्टार के साथ। जब हो नॉनवेज खाने का मन तो घर पे बनाए देसी स्टाइल चिकन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।